गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। सो गाइस कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। सो गाइस अगर आपने लास्ट एपिसोड नहीं देखा है तो आपको मैं याद दिला दूं कि यार लास्ट एपिसोड में ना क्या हुआ था। तो गाइस लास्ट एपिसोड में भाई साहब हमें बालास और वेगास गैंग के बंदों ने हमें कॉल करके बुलाया और वो लोग कह रहे थे कि यार देखो हमें माफ़ कर दो, हम लोग जो भी तुम्हारे मारने की प्लानिंग कर रहे थे ना वो सब हमारी गलती नहीं है, हमें माफ़ कर दो और हमारे से जितना भी पैसा है ना हर महीने हम तुम लोग को देंगे। और गाइस वो कहते हैं कि सारी की सारी प्लानिंग ना भाई लॉस्ट गैंग की होती है, मतलब लॉस्ट एमसी गैंग जो कि बहुत खतरनाक वाली गैंग है। ये लोग भड़का रहे हैं बालास और वेगास गैंग को मुझे मारने के लिए। आपको याद है पिछली बारी ना वो मेरे को टैग मारने की कोशिश कर रहे थे बट उनका प्लान हमने फेल कर दिया। फिर क्या गाइस मैं उनके पास जाता हूँ और ना भाई लॉस्ट गैंग का जो भी बिजनेस होता है सब कुछ तहस नहस कर देता हूँ भाई, सब कुछ ब्लास्ट वगैरह। फिर गाइस हमको उनकी एक बॉस की ना एक मस्टैंग मिलती है भाई, वो मैं उड़ा मतलब चुरा लेता हूँ। फिर बेनी के पास जाता हूँ गाइस को मॉडिफिकेशन करवाने के लिए बट मैं देखता हूँ ना भाई बेनी का जो शोरूम है ना भाई उससे कुछ कस्टमर आए हुए थे भाई, वो उसको मार रहे थे। मतलब क्या ही सीन है, मतलब मैं बेनी से पूछता हूँ क्या सीन है भाई, वो कहता है कि देखो मेरे सारे के सारे कार जो भी मॉडिफाइड कराने के लिए बड़े बड़े मिलियन लोग के आए थे ना भाई वो सब चोरी कर लिए एक बंदे ने गाइस। वो बंदा क्लाउड था जो कि लिबर्टी सिटी का बहुत बड़ा वाला गैंगस्टर है अपने जैसे। फिर गाइस हम लोग उसका ना पीछा पीछा करते हैं। फिर गाइस भाई वो पता नहीं कहाँ जाता है, आज हमें पता करना पड़ेगा। और ना हमारे शोरूम में एक अटैक भी होता है, पता नहीं मास्क मैन था कोई, उसने हम पे अटैक कर दिया। फिर बाद में गाइस हम लोग खतरनाक वाली फाइट हुई थी भाई एंड फिर ना उसको पुलिस उठा ले गई क्योंकि आपको पता है हमारी कोई गलती नहीं थी। तो सारा का सारा हमने सीसीटीवी के मतलब जो भी होता है ना पुलिस वाले को दे दिया और हम लोग बच गए थे। सो अब आगे देखते हैं क्या सीन है। सो गाइस अभी ना ये सीन है कि यार देखो अभी ना मुझे बेनी कह रहा है कि देखो मेरी जो कार है ना भाई जो मॉडिफाइड कराई हुई भाई उसमें जीपीएस लगे होते हैं। तो गाइस वो जीपीएस की लोकेशन हमने हैकर की हेल्प से ना भाई पता किया है कि वो ना हमको लगा वाई सिटी गए बट वो कार्स ना वाई सिटी नहीं गए थे, वो लिबर्टी सिटी गए थे। सो गाइस अभी हमें कार की लोकेशन तो पता चल गई बट एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता क्योंकि ना बस आपको पता है लिबर्टी सिटी और वाइस मतलब लॉस सैंटोस में कितना फ़र्क है। तो गाइस यहाँ पे आज ना भाई इतनी खतरनाक वाली बारिश हो रही है, अभी सुबह के बज रहे 5 ठीक है, अभी मेरी फ्लाइट है लॉस सैंटोस से डायरेक्ट लिबर्टी सिटी। तो यार गाइस अभी ना मुझे रास्ता तो पता नहीं लिबर्टी सिटी का क्योंकि मैं पहली बार जा रहा हूँ, वाइस सिटी तो मैं जा चुका हूँ। सो गाइस अभी यार मुझे सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है यार, अभी ना ये क्लाउड का बच्चा भाई जो भी है उसके साथ जो भी काम कर रहे हैं ना भाई सबको ख़त्म करना पड़ेगा। तो अगर आप लोग वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो प्लीज़ लाइक करो और आप लोग लाइक नहीं करते हो यार गाइस भाई 10 वीडियो से हमारा लाइक टारगेट ही कंप्लीट नहीं हो रहा है और हमारा ये पल वर्ड भी आपको कह रहा है लाइक करो बट आप नहीं कह रहे हो। तो चलो हमारा जो पल वर्ड का कैटिंग है उसको भी लेके मैं साथ में जा रहा हूँ और वीडियो को प्लीज़ शेयर करो। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो यार गाइस, सब लोग वीडियो देख रहे हैं बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे, इतनी मेहनत लगती है यार वीडियो बनाने में और आप लोग है कि गाइस सपोर्ट नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ शेयर ज़रूर करना। और अभी हम लोग निकल रहे गाइस हमारे एयरपोर्ट पर और हमारे जो न्यू सिक्योरिटी ना भाई इधर लगी हुई है और इनके लिए न्यू शोरूम लेना है बट गाइस अभी ऐसा सीन है ना भाई माइकल के पास टाइम ही नहीं है गाइस। तो अभी चलो हमारा फुल प्रोटेक्शन वाला ग्रुप हमारे न्यू सिक्योरिटी RSBPG गाइस फुल गाइस कॉन्वे लेके जा रही, देख रहे हो एक नहीं दो कॉन्वे, मतलब एक आगे होना चाहिए बट अभी ना भाई फास्ट फास्ट गाड़ी भगा रही है। अभी सुबह के 5 बज रहे हैं, अभी देख रहे हो अभी ना भाई तूफान वगैरह मतलब बारिश चल रही है। सो गाइस मैं सोचा कि यार देखो अगर हम लोग सुबह मतलब जल्दी से निकलेंगे तो यार वहाँ पे पहुँच जाएंगे 10 या 11 बजे तक पहुँच जाएंगे आराम से। तो अभी मुझे इसलिए मैं अभी निकल रहा हूँ भाई, सुबह सुबह उठ के ना भाई काम करना पड़ रहा है तो अभी फटाफट से गाड़ी भगाता हूँ, अभी कोई मतलब सुबह सुबह खतरा तो नहीं है। और फटाफट से निकलते और पहुँचते एयरपोर्ट की ओर, तो चलो फटाफट से। और राइट गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं एयरपोर्ट पर और गाइस एयरपोर्ट पे तो आ चुके हैं और हम लोग ने एक स्पेशल हमारा जो जेट है ना भाई उसको एक मतलब अरेंज करवाया क्योंकि भाई आपको पता है इतनी बारिश में भाई मुझे जमने वाला तो है नहीं, मतलब जमेगा क्यों नहीं जमेगा भाई बट मुझे रास्ता पता नहीं गाइस। तो अभी तो फटाफट से हमको जाना पड़ेगा और भाई लिबर्टी सिटी की पुलिस ना बहुत खतरनाक है इसलिए मैं नहीं चाहता हूँ कि यार देखो मैं कैसे भी वगैरह वहाँ पर लैंडिंग कराऊँ क्योंकि आपको पता है भाई वहाँ पर ऐसे लगता है मतलब समझ रहे हो गाइस वहाँ पर एयरपोर्ट में ना भाई लैंड करवाने के लिए भाई ऐसा वगैरह नहीं मतलब लैंड करने ही नहीं देंगे अपने लोग। सो गाइस इसलिए ना अभी मुझे भाई खुद से एक प्लेन बुक करना पड़ा क्योंकि वहाँ से हमको भाई सही तरीके से मतलब कोई
इलीगल तरीके से, मतलब समझ रहे, कोई गलत काम नहीं करना है भाई उधर जाके, मतलब सेफली जाना है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि अभी और भी कोई मेरे गड़बड़ हो जाए, समझ रहे हो भाई, और कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए भाई, सेफ जाएंगे तो यार चलो हमारी सिक्योरिटी भाई, मेरी कार को लेके चले जाना। और कैटी बात, तू भी आ रहा है क्या मेरे साथ? चल यार तू भी चल मेरे साथ, मतलब ये तो मेरा पेड है ना, इसके लिए वीज़ा वगैरह कुछ नहीं, तो ऐसे तो यार चलो इसको लेके जाएंगे। और ये सिक्योरिटी यार अभी मुझे नहीं पता गाइस वहाँ पे, अभी भाई साहब लिबर्टी सिटी में ना भाई बहुत खतरनाक वाला, मतलब पुलिस का काम चलता है। और यहाँ पे हमारे एयरपोर्ट भाई प्राइवेट सीट बुक किया है भाई, तो भाई चलो यार पायलट लोग फटाफट से मुझे लिबर्टी सिटी पहुँचा दो भाई, कितना टाइम लगेगा भाई साहब? वो कह रहे हैं कि भाई देखो हम लोग 10-9 बजे तक पहुँच जाएंगे आराम से। यार चलो यार गाइस, मतलब भाई सही तरीके से जा रहे हैं, ठीक है ना भाई, कोई गलत काम वगैरह नहीं कर रहे भाई, कहीं से भी प्लेन चुराया और निकल गए यार, मतलब बच्चों का खेल छोड़ी है भाई। सो चलो यार फटाफट से ना भाई साहब अब निकलना पड़ेगा। और भाई प्लेन तो हमारा चल चुका है, मतलब एकदम बढ़िया तरीके से। अब गाइस भाई साहब चाय, मतलब बारिश हो रही है ना लॉस एंजेलस में भाई, आई होप कि यार लिबर्टी सिटी में ना भाई इतनी ज़्यादा बारिश ना हो गाइस, क्योंकि यार मज़ा नहीं आएगा। वरना बारिश होती है ना तो आप लोग को बताओ यार, आपके वहाँ पे बारिश हो रही है कि नहीं भाई? यहाँ पे तो बारिश हो रही है, आपके एरिया में बारिश हो रही है कि नहीं बताना। और गाइस फुल खतरनाक वाला भाई साहब भाई माहौल बन चुका है, मतलब कुछ दिख ही नहीं रहा यार, इसलिए हम लोग ने ये वाला प्राइवेट सीट बुक करा हुआ है। सो यार अभी मुझे नहीं पता लिबर्टी सिटी में क्या सीन है, तो चलो फटाफट से चलते हैं। और राइट गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं लिबर्टी सिटी, और लिबर्टी सिटी का माहौल देखो यार भाई साहब, क्या बात है गाइस, कसम से भाई लिबर्टी सिटी का ना मतलब एक बार आप लोग देखो यार गाइस, भाई क्या ही वेदर है यहाँ का, मतलब एकदम बढ़िया गाइस, एकदम ना बढ़िया तरीके का वेदर है, जो कि यार बहुत ही बढ़िया लग रहा है। और यहाँ पे ना हम लोग को उतरना चाहिए आई थिंक, चलो भाई प्राइवेट जेट है यार, फुल गाइस अय्याशी, मतलब पैसों की तरह आए हुए भाई, मेरा पेट का आ गया, तू भी आ गया ना। चलो यार हमको भाई इनको बाय बाय कहते हैं और लेने आएंगे भाई, मतलब अभी तो चले जाओ, अभी वैसे बुक तो नहीं करवाया। और यहाँ पे ना भाई बहुत सारे फैसिलिटी, मैंने सुना था गाइस, मुझे ना वो कह रहा था बेनी की यार देखो तुम बेन वहाँ पे जाओगे ना तो मेरा एक फ्रेंड है वहाँ पर, वो तुम उससे मिलना एंड तुम लोग वहाँ से, मतलब वो भी तुम्हें ना क्लाउड के बारे में कुछ बता सकेगा, तो कुछ हो सकता है तो देख लो। तो यार ठीक है भाई, चलो यार कोई ना, हमारा फ्रेंड तो वैसे कोई है नहीं लिबर्टी सिटी में, बस एक दुश्मन है भाई क्लाउड का बच्चा, एंड इसको ख़त्म करना है, इसी के शहर में आके ख़त्म करेंगे उसको। बट इससे पहले ना यहाँ पे कुछ कार वगैरह रेंट पे लगे हैं, सो यार एक काम करते हैं, एक कार ना रेंट वगैरह पे लेते हैं भाई, अगर चोरी वगैरह करेंगे ना भाई लिबर्टी की सिटी भाई, पुलिस बहुत ख़तरनाक है, तो यहाँ पर कुछ भाई किराए पे हमको कार्स मिलेंगे, तो यार ये कार हमको पहुँचाने भी है। सो ठीक है यार, बॉस कौन है? हेलो जी कौन है भाई? हेलो सर, मुझे ना एक कार चाहिए एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए एक कार चाहिए, कितना पैसा लगेगा बता दो यार, दे देंगे भाई बहुत सस्ते में यार, ये कह रहा है सिर्फ 10,000, मतलब बहुत, मतलब 10,000 मतलब गाइस समझ रहे हो, 10,000 मतलब $100 गाइस, मतलब सिर्फ $100 आपको एक दिन का भाई, यार अच्छी बात है यार, इस सस्ते में ना भाई वापस कर नहीं, बट ये कह रहा है कि अगर कुछ भी स्क्रैचेस वगैरह आते हैं ना भाई फुल पैसा वसूल करेंगे भाई, इंडिया के 10,000 और डॉलर में देखा जाए तो $100। सो गाइस ये अच्छी बात है यार, ठीक है, ये कह रहा है कि कार चूज़ कर लो भाई, देखो अपने को तो वैसे ना भाई 4-सीटर ही चाहिए, कौन सी भी मिल जाए यार। हाँ एक काम करता हूँ, ये सेकंड वाली कार कौन सी है, बढ़िया लग रही है भाई, मुझे ना भाई साहब प्रूफ चाहिए, मतलब समझ रहे, बुलेट प्रूफ चाहिए भाई। ये कह रहा है कि यार चलो यार इसको ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं, ऑल राइट इसको ना पेमेंट वगैरह मैंने कर दिए गाइस, भाई साहब देख ले भाई $100 आ गए क्या भाई? $100 क्या भाई, तुझे $1,000 देता मैं, बट चलो यार पैसा बहुत है यार अपने माइकल के पास भाई, $100 एक दिन का भाई, इसने सारी इन्फॉर्मेशन मेरे से ले लिए भाई, भाई चोर वगैरह नहीं हुआ है, मैं टेंशन ना ले भाई। चलो यार कोई बात नहीं गाइस, भाई साहब ये कार ना सिर्फ $100 बट किराए पे मिली है, ठीक है ना? तुम लोग बोलो यार भाई $100 में कार आती है क्या भाई? भाई कार तो नहीं, साइकिल में नहीं आती है वैसे तो, आएंगे बट शौकअप वाली नहीं आएंगी। तो चलो यार भाई साहब भाई बढ़िया लग रही है वैसे चलने में, बढ़िया भाई न्यू कार है यार एकदम स्मूथ है यार, बट चलो यार अभी ना भाई लिबर्टी सिटी आए तो भाई पैदल तो घूमने वाले तो है नहीं भाई, टैक्सी वगैरह लेंगे तो नहीं, समझ रहे हो भाई, बहुत बड़े बड़े काम करने हैं भाई लिबर्टी सिटी में आके यार, हमको बस बेनी के जो कार्स है ना भाई मुझे वो ले आना है, मतलब जो ये बंदा कार चुरा के भागा है ना
भाई बेनी के, मतलब हमारा बदला लेने से वो बंदा हमारे फ्रेंड को तंग कर रहा है, मतलब समझ रहे हो, वो बंदा हमें परेशान करने के लिए हमारे फ्रेंड्स को प्रॉब्लम में डाल रहे हैं इसको। यार मैं नहीं चाहता कि यार हमारे फ्रेंड्स और भी प्रॉब्लम में पड़े, तो यार फटाफट से वो कार था, वैसे बहुत रेयर थे, मतलब गोल्डन कार थी। सो चलो यार अभी इसके फ्रेंड के पास जाते हैं गाइस। इसने कहा है कि देखो मेरे फ्रेंड के पास जाओ। सो गाइस इसके फ्रेंड के पास जाना पड़ेगा और सारी इन्फॉर्मेशन हमें ना वो दे देंगे और पता नहीं गाइस क्या सीन है गाइस। ऑलराइट गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं भाई यहाँ पर ही गए। उसने ना बेनी ने मुझे गूगल लोकेशन सेंड की थी और वो कह रहा है कि उससे मिलो, क्या पता क्लाउड के बारे में वो जानता हो, पता नहीं यार जानता है कि नहीं यार। वैसे चलो यार एक बार ना पूछ वगैरह लेते हैं यार, क्या पता उसे जानता हो। वैसे ये भी एक डीलर है, मतलब कार वगैरह डील करता है भाई साहब, यार अच्छी बात है भाई, कोई बात नहीं भाई। बहुत ज़्यादा ही कार नज़र आ रहे हैं इसके पास, नया नया स्टॉक भी आया क्या भाई? ये भी आई थिंक रेंट पे देता है गाइस, मुझे लग रहा है ना ये भी रेंट पे वगैरह ही देता है। चलो एक बार इससे बातचीत कर लेते हैं भाई, कैटी वा तू भी आ जा। एंड इसकी सिक्योरिटी वगैरह लगी हुई है यहाँ पर, और भाई साहब ठीक है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना बंदा। ओ भाई भाई डील वगैरह कर रहा है, देख लो पैसे वगैरह भाई साहब। लैम्बोर्गिनी सियान और ये देखो जी वैगन है ना आई थिंक ये। चलो भाई हेलो सर, भाई मैं बेनी का फ्रेंड हूँ, जानते हो क्या बेनी को? हाँ ये कह रहा है कि बेनी तो मेरा बहुत पुराना फ्रेंड है भाई। यार अच्छी बात है सर, देखो मुझे ना क्लाउड के बारे में कुछ बताओ। वो कह रहा है कि भाई देखो यार क्लाउड के बारे में मैं जानता हूँ, बट तुम पहले मेरे कार ना ज़रा देख लो भाई, पहले ना मैं इसके कार देख लूँ भाई। ये देखो ये ना आई थिंक डिफेंडर है ना, हाँ ये तो अपने शोरूम में भी है भाई, और इसके पास सोने की कार से भाई साहब लग रहा है ना बेनी इसी से कुछ डील वगैरह करता होगा। भाई साहब कार वगैरह मुझे देखनी नहीं, बट थोड़ी इज्जत वगैरह रखनी पड़ेगी ना इंसान की, समझ रहे, मतलब डायरेक्ट आएंगे काम की बात करेंगे तो गाइस मतलब अपने मतलब वो समझेगा कि यार ये मतलब खुद का फ़ायदा मतलब करने के लिए आया, थोड़ी सी इसकी इज्जत वगैरह रख लेंगे, थोड़ी तारीफ़ वगैरह कर लेंगे इसकी, एंड फिर ना घोड़े में बिठाएंगे इसको और चले के लाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई साहब इसकी तारीफ। ओ भाई ये तो अपने पास भी थी भाई, AMG ब्लैक आई थिंक इसका नाम मैं भूल चुका हूँ, AMG ब्लैक कुछ नाम है इसका आगे पता नहीं, मर्सिडीज से आई थी ये, और ये अपनी लैम्बोर्गिनी सियान भाई ये तो अपने पास भी है। तो देखो सर आपके कार तो वैसे बहुत बढ़िया है भाई, कुछ कार जाने तो मैं आपसे ज़रूर डील करूँगा ठीक है ना। तो पहले मुझे बताओ भाई ये कार कितने में दोगे भाई? ये कार ठीक है भाई, ये कार ना भाई सोने की है बिल्कुल ही। तो ओके सर यार कार वगैरह तो हो गया, अब मुझे बताओ कि अब ना भाई, यार एक सेकंड मैं ना पहले इसको भाई इधर ला के बात करता हूँ। ये बंदा अभी भी भाई बातें किया जा रहा है, पता नहीं क्या भाई, रुक जाओ भाई। देखो सर बात तो करने दो यार, तुम अपना ये बता रहे हो, देखो मुझे क्लाउड के बारे में जानना है यार ठीक है, कार वगैरह हम डील करेंगे बाद में भाई, अभी भी कार के बातें कर रहा है ये। ठीक है सर कोई बात नहीं, कार ले लेंगे आपसे, पहले मुझे बता क्लाउड कौन है भाई? गाइस ये कह रहा है कि क्लाउड भाई उससे पंगा मत लो, ये बंदा लिबर्टी सिटी में बहुत ख़तरनाक है, मुझे उसका घर तो वैसे पता है, बट मैं चाहता हूँ कि तुम उसके पास ना जाओ भाई। यार देखो यार मुझे जानना है कैसे भी करके, यार मुझे ना कैसे भी करके जानना है सर जी, मुझे बस आप घर बता दो और दूर से चले जाओ ठीक है, मैं आपको कोई फाइट में इन्वॉल्व करने वाला तो हो नहीं। हाँ ये कह रहा है कि देखो लिबर्टी सिटी के सारी पुलिस इसके पीछे पड़ी है, और तुम भी इसके पीछे मत पड़ो, मतलब पुलिस से भी फटती है भाई, मतलब इसके पीछे ना बहुत बड़े बड़े पावरफुल लोग हैं जो कि मतलब पॉलिटिक्स है भाई बहुत कुछ है। तो यार ये कह रहा है कि यार तुम इसका पीछा वगैरह छोड़ दो, क्योंकि ना इसका ये कह रहा है कि पॉलिटिक्स में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है। गाइस ये तो पूरा अपना जैसे हो गया ना, मतलब अपना भी पॉलिटिक्स में हाथ है थोड़ा सा, मतलब ज़्यादा नहीं है, जैसे हम प्रेसिडेंट के फ्रेंड है तो भाई क्या पता ये भी लिबर्टी सिटी का प्रेसिडेंट का फ्रेंड हो भाई। सो ये कह रहा है कि यार तुम देखो भाई जो भी कर रहे हो ना मुझे दूर रखो, और इसमें मेरा कुछ लेना वगैरह नहीं है भाई, तो तुम भी भाई यार देखो सर जी मुझे तो उसका बस घर बता दो और कुछ नहीं भाई, तुम उधर से चले जाना। गाइस यार चलो उसके घर जाते हैं और दूर से देखते हैं क्या सीन है और पता करते हैं। चलो यार ऑलराइट गाइस यार चलो फाइनली ना भाई ये बंदे ने हमको लेके आ चुका है भाई साहब क्लाउड का जो घर है ना, वो कह रहा है कि देख मेरे भाई यहाँ पर ही रहता है क्लाउड और उसकी पूरी सिक्योरिटी जो भी इसकी गैंग वगैरह ना भाई, दूर से गाड़ी चलाना और भाई कुछ रुकाना वकाना मत, वरना भाई फायरिंग वगैरह कर देंगे भाई हम मर सकते हैं गाइस। यहाँ पर देखो भाई साहब लेफ्ट में देखो यार, ये कह रहा है कि यार तू क्या कर रहा है, गाड़ी साइड में ले भाई, किधर भी ले ले भाई। भाई देख मैं तो डरता नहीं हूँ, एक काम करता हूँ गाइस ये पार्किंग स्लॉट में ना गाड़ी लगा देता हूँ ठीक है ना,
भाई ये कह रहा है कि सीधा गाड़ी भगा, भाई तेरे को मैंने लोकेशन बता दिया, अब मेरा कुछ काम नहीं है, अब सीधा निकलते हैं। भाई एक सेकंड मुझे देखने दे भाई, यार यही वाला घर है या उल्लू बना रहा है तू? ये कह रहा है गाइस यार देख यार भाई मेरी जान खतरे में क्यों डाल रहा है भाई, मैं तो एक मामूली इंसान सा हूँ, मतलब डीलर हूँ भाई साहब, रेंट पे कार देता हूँ लोगों को और बेचता हूँ, शेयर करता हूँ। यार मुझे देखने दे भाई, पहले तू सही बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है भाई? क्योंकि ना भाई पहले कन्फर्म करना पड़ेगा ना गाइस, फिर मैं चोरी कैसे करूँगा मुझे पता तो चलेगा भाई, इतनी सारी सिक्योरिटी लगी है। एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड गाइस, यहाँ पर कार वगैरह देख रहे हो भाई साहब? भाई ये सारे मॉडिफाइड करे हुए कार से, और एक सोने की गोल्ड भी कार है यार। बट जो बेनी ने जो एक बेनी की एक कार थी, वैसे बेनी की वैसे छः, मतलब वैसे बेनी के ना चार, जो चार कार चोरी हुए थे, चार में से एक गोल्ड कार तो हमने देखी थी गाइस, बट ये वाली गोल्ड कार नहीं थी। ये कह रहे कि चलो फटाफट से चलते हैं। यार रुक जा भाई, देखने देना यार। वो कह रहा है कि उधर से फायरिंग हो सकती है। भाई होने दे फायरिंग, कोई दिक्कत की बात नहीं है गाइस। मुझे ना वो आई थिंक पीछे कहीं साइड में इसने भाई गाड़ी को पार्क किया होगा, मुझे नहीं पता। और इसकी सिक्योरिटी वगैरह देखो यार फुल, मुझे नहीं लग रहा है क्लाउड का बच्चा यहाँ पर ही कहीं होगा, मुझे लग रहा है ना वो लॉस सैंटोस में कहीं प्लानिंग वगैरह कर रहा होगा गाइस। वो कह रहा है कि चल अब ना मेरा काम हो चुका है, मुझे घर पर छोड़ दे। अरे चीचा रुको यार, वरना यहाँ पर गोली मार दूंगा तुम्हें, ज़्यादा नाटक मत कर यार। मतलब आया नहीं भाई लिबर्टी सिटी में, पानी नहीं पूछा है कुछ नहीं यार। भाई रुक जाओ चिच्चा, थोड़ा रुक जाओ भाई, तुम्हें कुछ नहीं कर रहे हम, हमें बस देखना है बस, ठीक है ना? अभी मैं प्लानिंग वगैरह तो करनी पड़ेगी ना, डायरेक्ट थोड़ी अटैक करूँगा यार। क्या चिच्चा यार, ये कह रहा है कि देख भाई वो बंदा वही एक ही चीज़ बोलने जा रहा है गाइस, एक ही चीज़ बोलने जा रहा है भाई। इतनी फट रही है ना यार ये क्लाउड से, मतलब इसको पता नहीं अभी माइकल क्या चीज़ है, इसको लग रहा है भाई माइकल ऐसे कोई बंदा है। भाई मेरे पास इतनी ज़्यादा सिक्योरिटी है ना भाई, भाई बड़े बड़े सिक्योरिटी को नीचे गिरा सकती है भाई, और अपने पास कैसे कैसे चीज़ें हैं भाई, AI रोबोट है भाई, और बड़ा बड़ा सुपर टैंक है गाइस, और बहुत कुछ है भाई, इन्हें क्या बोलूँ गाइस, क्या ही बोलूँ गाइस। तो चलो यार फटाफट से ना फटाफट से अभी गाइस इसको घर पहुँचा देते हैं गाइस। एक सेकेंड, एक सेकेंड भाई, मुझे ना अभी मैसेज आया किसी का, और पढ़ के बताता हूँ गाइस। अभी मुझे मैसेज आया था टक्कन पोस्ट का भाई, और उसमें लिखा है पीछे देखो मेरा एक बंदा तुम्हारे पीछे आ रहा है भाई, और उसमें लिखा है कि देखो तुम्हें $5 million दूंगा, मेरे बेस पे आ जाओ। व्हाट द हेक मैन, ये क्या चल रहा है भाई? ये टक्कन पोस्ट का बंदा यहाँ पर क्या कर रहा है? ये मुझे अभी मैसेज आया गाइस, भाई 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 साहब, डगन बॉस अपना इतना बड़ा दुश्मन है, और वो कह रहा है कि देख गाइस मुझे नहीं पता, डगन बॉस तो इसका दोस्त है ना क्लाउड का, और ये कह रहा है कि देख भाई क्लाउड और दुश्मन, ये जो भी है ना क्लाउड और दो तीन दोस्त है भाई, मतलब तीन लोग है टोटल, जो मेन आदमी है ना भाई उसकी और उसकी फाइट हो चुकी है डगन बॉस की, और ये जो भी है ना भाई क्लाउड के दो दोस्त और है गाइस। और वो कह रहा है कि एक बंदा ना पुलिस ने उसको पकड़ भी लिया है, जब मतलब एक को पुलिस ने पकड़ लिया, मतलब वो मास वाला बंदा डगन बॉस का ही भाई, मतलब डगन बॉस सॉरी ये जो बोल रहे हैं ना तीनों में से कोई एक था, एक तो क्लाउड है और दो कौन है? अरे यार वो तो वही थे गाइस, याद है आपको हमने भाई साहब, ये पूरा गाइस क्या चल रहा है भाई? भाई मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, ये जो दो बंदे थे ना हमने जहाँ पर देखे थे गोल्ड माइन के बेस पर, एक मास वाला था और एक ही एक आग फटी हुई थी, वो कह रहा है कि एक का नाम एगल है और एक उसका भाई है, उसके छोटे भाई को ना पुलिस से पकड़ लिया। अरे वो तो मैंने ही पकवाई भाई, ये कह रहा है कि अच्छा, वो कह रहा है कि देख भाई अभी ना हम कुछ तेरे को कुछ करने वाले नहीं, अभी तेरे को मैं डगर बॉस के पास ले जा रहा हूँ यार गाइस। ऑल राइट गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं, ये कह रहा है कि यहाँ पर ही कहीं ले जाओ भाई। डगन बॉस मेरा इतना बड़ा दुश्मन है, और डगन बॉस की इनसे दुश्मनी हो चुकी है भाई क्लाउड से, और ये एगल वगैरह जो भी है ना, और ये कह रहा है कि देखो तुम्हारे अकाउंट में $5 million भी आ गया होगा भाई, वो तो आ ही गया इसलिए तो मैं तेरे साथ आया हूँ भाई, वरना डगन बॉस मेरे अकाउंट में भाई $5 million क्यों सेंड करेगा यार? देख मैं कुछ फंस ना जाऊँ, मेरे को फट रही है इस, और भाई डगन बॉस के पास तो SPG सिक्योरिटी यार गाइस, भाई साहब भाई मेरी फट रही है भाई।
अगर भाई मैं इधर अकेला आया हूँ, मैं लिबर्टी सिटी में कोई मेरा है नहीं, और ये बेचारा गाइस डर रहा है गाइस। ये बेनी का फ्रेंड भी बोल रहा है कि डकन बॉस का नाम तो भाई बहुत सुना है। भाई यार आ जाओ क्या अंदर भाई, चेकिंग वगैरह करेंगे क्या मेरी? भाई साहब यहाँ पर ना SPG सिक्योरिटी लगी है यार गाइस। भाई मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं डकन बॉस का फ्रेंड बनूँगा। भाई ये क्या चल रहा है? ये कह रहा है कि देखो तुमको और डगन बॉस को मतलब मिलके काम करना होगा। भाई यार देखो भाई, डगन बॉस ने मुझे बुलाया है भाई, ये मुझे आने नहीं दे रहे अंदर। चलो अब दे दिया उसको। भाई वो कह रहा है कि मैं नहीं आने वाला। जो बेनी का फ्रेंड है वो कह रहा है कि देखो मुझे कुछ लेना देना नहीं है भाई, मुझे बस घर छोड़ दो, बेचारे को मैं यहाँ पे लेके आ चुका हूँ। भाई यार क्या चल रहा है गाइस? भाई ये इतना बड़ा दुश्मन हमारा डगन बॉस, और चलो यार एक बार बातचीत करते हैं और फिर समझ आएगा भाई क्या सीन है। और मुझे कुछ समझ मतलब इतना ठीक से बोला नहीं, पता नहीं क्या बोल रहा था। तीन लोग वगैरह थे, क्लाउड और ये कुछ भी थे। सो डगन बॉस भाई ये कह रहा है कि आओ भाई कल आओ भाई, हमारे बहुत बड़ी वाली दुश्मनी है भाई। दुश्मनी क्या भाई, क्या क्या वाला सीन किया है भाई। गाइस गाइस मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, सिगरेट पी रहा है अभी मतलब। डगन भाई कैसे हो यार, क्या सीन है? ये देख ये बोल रहा है कि सीधा काम की बात पे आते हैं। देखो मैंने तुम्हारे अकाउंट में $5 million सेंड कर दिए। ये कह रहा है कि देखो मार्टिन, तुम्हें पता है मार्टिन मेरा फ्रेंड था, बट मार्टिन को तुमने मार दिया, तो उसके तीन और दोस्त थे, क्लाउड और एगल और उसका छोटा भाई। सो वो तीनों मिलके वो सोच रहे हैं कि डगन बॉस ने उसे धोखा दिया मार्टिन को, और अब ना वो कह रहा है कि देखो वो तीनों मिलके मेरे पे अटैक करने वाले हैं, मतलब कुछ भी हो सकता है, इसकी जान मतलब खतरे में भाई। वो कह रहा है कि वो मेरे बिजनेस का तबाह नहस कर रहे हैं सब कुछ। सो वो कह रहा है इसलिए तुम मेरा साथ वगैरह दो, हम मिलके उन्हें ख़त्म करते हैं। भाई ये मुझे लग रहा है धोखा वगैरह ना दे यार। भाई वैसे डगन बॉस यार भरोसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आप लोग बताओ। मतलब भाई तू तीनों के वजह से मेरे से दोस्ती कर रहा है, फिर बाद में मेरे को मार देगा, कुछ कर दिया ना गाइस, मतलब कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस। कसम से ये बंदा तीनों से डर के मेरी हेल्प ले रहा है, मतलब बोल रहा है कि हम दोनों टीम बनाते हैं और वो करते। एक सेकंड भाई क्या हो गया, फायरिंग उसे तो भाई टक्कर बोल भाग के इसकी पे इसकी आग। ये तो हमेशा भगोड़ा इंसान है भाई, भागते रहता है। और भाई कुछ फायरिंग वगैरह हो चुके लग रहा है गाइस, पता नहीं ये कौन है भाई, क्या चल रहा है गाइस। मुझे लग रहा है ना ये क्लाउड के बंदे होंगे, क्योंकि इसके बोला रहे भाई साहब सारी कार ब्लास्ट हो चुके हैं, और ये कौन है पता नहीं, किसी इनको फटाफट से मारना पड़ेगा भाई। क्या ही भगोड़ा इंसान है डगन यार गाइस, एकदम चैट पे भगोड़ा लिख दो भाई, अगर आप मैटन वीडियो देख रहे हो डगन भगोड़ा लिख दो भाई, या डगन मूव लिख दो, कुछ भी लिख दो, बस लिख दो भाई डगन के होते सर। और इनको मारना पड़ेगा, ये मास वाले बंदे ही तो क्लाउड के बंदे हैं, और ये ना गाइस क्लाउड के बंदे बिल्कुल ही मतलब वही बंदे हैं यार। इसने सही कहा था गाइस, ये लोग मतलब अब मेरे को भरोसा तो आ चुका है, डगन सही कह रहा है, मतलब ये कोई ट्रैप वगैरह नहीं है। मुझे लगा ट्रैप वगैरह हो सकता है, मुझे लगा गाइस ये क्लाउड और डगन फ्रेंड होंगे, बट यार यहाँ पे तो कुछ उल्टा ही सीन चल रहा है, इनकी अलग दुश्मनी चल रही है भाई, मतलब दुश्मन का दुश्मन। और अभी तीन पार्टी मतलब गाइस क्या बोलूं यार, बहुत दर्दनाक वाला मैटर हो चुका है गाइस। कसम से इनको मारना पड़ेगा इस सेकंड, सबकी बहन बताऊँ भाई साहब डक्कर और मैं मिल गए ना घर, इतना पावरफुल हो जाएंगे कसम से बता रहा हूँ। और ये क्लाउड और ये एगल का बच्चा जो भी है ना, और उसका छोटा भाई को तो मैंने पुलिस के अंदर जेल में भिजा दिया गाइस कसम से। वो मेरे को अटैक करने आया था लास्ट टाइम, मुझे नहीं पता वो कौन था गाइस, बस मैं जानता था वो कौन है, बट मुझे नहीं पता ये क्लाउड का दोस्त होगा वगैरह वगैरह गाइस। अब ना गाइस बहुत खतरनाक सीन होने वाला है, तो पूरी वीडियो देखना, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है वीडियो, और ख़तरनाक वाली स्टोरी शुरू होने वाली है। और गाइस चलो यार भी फटाफट से डगन से बात करते हैं, ये लोग क्या सीन। अरे यार इसकी भैंस की आग भाई, एक पे ठोके जा रहे हैं तुम्हारी भैंस की आग, निकल साले भाई कुछ कर नहीं रहा तेरे को, चल निकल भाई। डगन कह रहा है कि देख मैंने तुझे बोला था ना यार, ये क्लाउड के सारे आदमी थे और ये मेरे पे अटैक कर रहे हैं, और हम लोग को मिलके काम करना होगा, और उससे ये भी पता है कि तू वो भाई लिबर्टी सिटी आया हुआ है। भाई साहब ये क्या कह रहा है सच में?
यार डगन बॉस तेरी एसपीजी सिक्योरिटी ओपी है भाई। भाई साहब गाइस क्या ही सीन है भाई, ये देख रहे हो ना, ये क्लाउड के बंदे, और ये कह रहा है कि देख तेरे वजह से मैं लिबर्टी सिटी आया और अब क्लाउड के वजह से मैं कहाँ जाऊँगा भाई, मतलब वाई सिटी में जा नहीं सकता और लिबर्टी सिटी में इधर हूँ। अब वो कह रहा है कि अब लॉस सैंटोस से मेरे को वापस आना है, तो तेरे से फ्रेंडशिप कर लिया। भाई साहब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है क्या करना है यार अब ना भाई साहब, ये मतलब ये बंदा धोखा वगैरह देगा कि नहीं पता नहीं यार। चलो यार अभी फटाफट से एक बार ना गाइस, और ये बंदा तो मर चुका है यार, ये जो बेनी का जो फ्रेंड है ना भाई, वो तो मर गया यार, ये तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा वाला नुकसान हो चुका है बिल्कुल ही, मतलब बेनी का फ्रेंड ही मर चुका है यार। और ये कार की हालत देखो, और ये कार मतलब हम लोग ने रेंट पे ली थी यार, गाइस समझ रहे हो। हाँ यार कुछ ज़्यादा ही नुकसान हो चुका है। चलो यार ये कह रहे हैं कि देखो अभी हमारे पास टाइम नहीं है, अभी मैंने सारी की सारी एसपीजी सिक्योरिटी रेडी कर दी है बिल्कुल, और इसको ना हम लोग जाके अब लोग फटाफट से अटैक करने वाले हैं। ये देख रहे हो मर चुका है, कोई बात नहीं यार फटाफट से निकलते हैं। और भाई इसके जो एरिया है ना क्लाउड का, भाई वैसे तो मुझे पता है भाई, ये कह रहा है कि देख तुझे मैं उसे घर दिखाता हूँ। भाई मैंने घर तो देख लिया उसका, जो क्लाउड का घर है ना वो ही देख के आया हूँ भाई। चलो यार ठीक है भाई, और ये कार में से धुआं निकल रहा है बिल्कुल ही, और एक सेकंड कार रुक चुकी है भाई, ये क्या सीन है भाई, कार तो चली नहीं रही यार, ये क्या सीन है यार। भाई साहब रेंट पे ली थी यार, $100 दे गए भाई, लोन हो चुका है बिल्कुल ही, कार चली नहीं रही है गाइस, क्या ही सीन है यार। लोन डगन भाई कुछ कर यार, वैसे तो मैं लिबर्टी सिटी में आया हूँ और मेरे पास तो कार वगैरह भी नहीं है, और सारे के सारे कार तो ब्लास्ट हो गए तेरे भी। यार गाइस बहुत गंदा वाला मैटर हो चुका है भाई, कुछ कर यार कुछ कर, अब कैसे जाएंगे अटैक करने भाई, सारे कार्स तो भाई तेरे डिस्ट्रॉय हो चुके हैं एसपीजी के, और एसपीजी सिक्योरिटी ना गाइस भाई बहुत खतरनाक है। तो ये कह रहा है कि टेंशन मत ले, अभी मैं कॉल करता हूँ और अपने बंदे को लेकर ना कार बुलाता हूँ भाई खतरनाक वाली। चल यार फटाफट से बुला लूँ, और फिर गाइस जाते हैं कार के अंदर, वैसे ना बहुत ज़्यादा ही गाइस खतरनाक सीन होने वाला है, और हम लोग डायरेक्ट अटैक करेंगे एसपीजी सिक्योरिटी से, देखते कब तक आती है इसकी कार। ऑलराइट गाइस यहाँ पे ना कार आ चुकी थी, और चलो फटाफट से बैठते हैं। और भाई ये कह रहा है कि देखो अब ये कार चैन से चला, भाई कोई दिक्कत की बात नहीं, पैसा वैसा बहुत है भाई इसके पास, भाई इतना पैसा है ना क्या ही बोले। सो अब डायरेक्ट हम लोग जा रहे हैं क्लाउड के घर के पास, और वहाँ पे एसपीजी से डगन बॉस के, ठीक है ना, मेरी नहीं है, वैसे मैं अकेले हमला करने वाला था उस घर पे, बताया गाइस, बट अभी हमारे साथ एसपीजी सिक्योरिटी भी है ना। ऑलराइट गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं क्लाउड के घर के पास, और यहाँ पर ना भाई मेरे साथ में अभी डगन बॉस भी है, और भाई डगन बॉस अभी मेरा फिलहाल दोस्त बन चुका है, मुझे अभी भी यकीन नहीं आ रहा है, बट गाइस जो भी है मुझे देख समझ के रहना होगा, क्या पता ये मुझे अटैक कर दे किसी भी समय या ट्रैप हो मुझे नहीं पता। सो यार चलो फटाफट से ना, अब गाइस यहाँ पर कितने लोग हैं, आई थिंक वही उतने ही लोग हैं, और गाइस इसकी मदद से ना भाई मैं सारे के सारे जो कार से ना बीनी के भाई वो भी कर दूंगा, और इसका जो मतलब दुश्मनी है ना वो भी हो जाएगी। ऑलराइट गाइस अभी ना देखो यहाँ पर सारे के सारे भाई एसपीजी ये सिक्योरिटी पे आ चुकी है, और ये कह रहा है कि हम लोग रेडी अटैक करने के लिए, तुम बस बोलो कब अटैक करना है। भाई ये बंदा मेरे पे इतना भरोसा क्यों कर रहा है, वैसे हम लोग इतने बड़े वाले दुश्मन हैं। बट गाइस चलो अभी हम दोनों का एक ही टारगेट है क्लाउड, और ये क्लाउड का गेम ख़त्म करना है, मुझे तो लग रहा है ये मुझे यूज़ कर रहा है, क्या कर रहा है आप लोग मुझे बताओ, क्या मुझे इससे दोस्ती करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। और इन लोग ने शुरू कर दिया गाइस, और मैं भी यहाँ पर गन निकाल लेता हूँ और सालों की बैन बजाता हूँ, और वैसे भी मैं अकेला अटैक करने वाला था, बट चलो अभी एस पी की सिक्योरिटी आ चुकी है तो अभी सब मिल के अटैक करेंगे। चलो भाई ये लोग भाई खतरनाक वाला फायरिंग कर रहे हैं भाई विदाउट हाईटेक पहुँच के, चलो कोई ना अभी थोड़ा आगे जाता हूँ, चलो चलो कोई बात नहीं, फटाफट से इनकी बैन बहन साल होगी, आ जा आ जा आ जा, मर नहीं रहा कि भाई स्पीड में इसकी आग, भाई कितना मार रहे हो तुम लोग, मैं भी मार रहा हूँ भाई, वेस्ट वगैरह पे इनके आएगा भाई साला, मुँह पे मारो खा लेंगे भाई, मुँह पे मारो साला के नीचे गिरेगा भाई, फुल जैकेट में ना भाई क्या क्या आर्मर वगैरह पहन के आई है लोग भाई, हाइटिंग विफोन लाना चाहिए था यार, गलती करती। चलो वैसे मेरे पास तो हाइटिंग विफोन है भाई, ये तो मर गया, चलो इसका आर्मर तो अभी ना मुझे भाई
आर्मर भाई डगर बॉल भी फाइट कर रहा है भाई, ये और मेरा कैटी बॉल भी फाइट कर रहा है, तो कोई बात नहीं। अरे भाई आराम से भाई कार में टोक दिया भाई यार इसकी भैंस की आँख। चलो कोई बात नहीं, एक सेकंड मुझे ना भाई, ये लोग मरने वाले नहीं भाई, ये लोग ना फुल तो भाई बेस वगैरह पहन के आए हैं, तो एक इनके लिए एक ही रास्ता है भाई, मैं बढ़िया काम किया, मेरे पास ना हाईटेक वेपन भाई सब कुछ है भाई, तो इनके लिए एक सेकंड ये वाला काम करेगा, उससे ना भाई खतरनाक वाला भाई धक्का लगता है जैसे ऊपर, इसको मार के दिखा दो तो अंदर का आर्मर वगैरह क्या पूरा एक्टिव वगैरह सब कुछ टूट जाएंगे इसकी भाई। और भी लोग आ चुके थे, अब ये देखो भाई ये गन भी दो रही यार भाई, इसका रिलो टाइम बहुत ज़्यादा ही ले रही है, ये देखो भाई आर्मर हो या कुछ भी हो भाई सब कुछ तोड़ डाल दी, देखो भाई खतरनाक वाला ऐसे मार रही है जो स्पीयर मार रही है भाई, ये देखो भाई यार निशाना सही लगाना पड़ता है भाई खतरनाक कर रही है, देखो भाई ऐसे झटका लगता है ना, देखो बंदा भाई, अरे यार इसकी भैंस की यार भाई कितना मिस हो रहा है यार इस कसम से मैं भाई, ये देखो भाई सही पावर है भाई गोली पे, पूरा इंसान ही उठ जाता है इससे, एक सेकंड ये देखो भाई कितना दूर जाके गिरा है भाई, आर्मर पे लिया कुछ भी से भाई अंदर गए भाई, तेरे जितने भी अड्डे हैं ना सब टूट जाएंगे भाई, क्योंकि इतना इसका पावरफुल हाइड्रोलिक फोर्स होता है ना गन का, देख रहे भाई साहब का इस खतरनाक वाली फीलिंग आती है गन से, मतलब जो फोर्स है ना भाई पूरे शरीर के अड्डिया मतलब समझ रहे हो पूरा हिला के रख देता है भाई, ये देखो भाई बच गया भाई, एक सेकंड मुझे आराम से काम देना पड़ेगा, अगर भाई एक आधे कार वगैरह गोली लग गए ना भाई पूरी हर डिस्ट्रॉय हो जाएगी, एक सेकंड भाई गलती नहीं करनी है भाई, गलती नहीं करनी है मुझे यार, तुम लोग मारो यार, ये देखो भाई शाही का स्कैन है बट रिलोड थोड़ा ज़्यादा रहती है भाई, मैं इधर फायर करूँ क्या, अरे यार इधर फायर कर दिया ना यार, तुम लोग मारो फटाफट से यार, क्या कर रहे हो भाई, मैं अगर फायर वगैरह कर दिया ना यहाँ पर ब्लास्ट वगैरह हो जाएंगे कार से, समझ रहे हो, एक सेकंड यार यार ये दादा ही कर रहे हैं, अरे यार मैं उसको मारा था यार पूरी कार ही ब्लास्ट हो चुकी, मैंने बोल रहा था यार ये बहुत पावरफुल कार है, एक सेकंड अरे यार वैसे रिलोड देने का भी रिलोड बहुत टाइम लगता है इसको यार, ये लोग कहाँ गए एस पी जी वालों, मारो यार फटाफट से मारो साले को, बोलो भाई कार ही ब्लास्ट हो चुका यार, वहाँ पर आग लग चुकी है बिल्कुल यार, अब मुझे नहीं पता गाइस क्या सीन है, वैसे ना गाइस सिर्फ चार ही कारें वैसे हमारे, मैंने नहीं बोला मेरे सिर्फ चार ही कार चोरी हुए, अरे यार वैसे देखो मैंने आपको बोला था, और ये देखो वो तो भाई ब्लास्ट में मर गया भाई, भाई बे बच गया कसम से भाई, कसम से बच चुका हूँ, ये डगर बस पता नहीं किसको कॉल कर रहा है भाई, और अपने एस पी जी गार्ड्स को बुलाया जा रहा है भाई, लग रहा है ना सब पता, एक सेकंड ये देखो भाई ये तो बेनी की कार है, वही जो हम लोग उसका जिसको पीछा कर रहे थे, और पता नहीं कौन कौन से बेनी की कार है भाई, मुझे ना एक काम करना पड़ेगा, बेनी को आई थिंक फ़ोटो वगैरह भेज देता हूँ गाइस, मुझे यही करना पड़ेगा, पता नहीं यार ये डगर बॉस के कुछ बिजनेस वगैरह के कॉल वगैरह आ रहे हैं, और यार गाइस खतरनाक वाला सीन हो चुका है बिल्कुल ही खतरनाक, यार एक काम करते हैं फटाफट से ना इसके सारे के सारे फ़ोटो क्लिक करते हैं भाई, यहाँ पे कितने कार से भाई, ये बंदा कहाँ से चुरा के लाया, लग रहा है ना भाई लिबर्टी सिटी में सिर्फ कार के ज़्यादा सेल होते हैं गाइस, और सारे के सारे फ़ोटो वगैरह लेते भाई, क्योंकि लिबर्टी सिटी में ना भाई कार का ज़्यादा ही ट्रेंड चलता है, तो भाई यहाँ पर ना लोग ज़्यादा ही कार मतलब बाय और सेल करते हैं, और ये बंदा इसी पे ना अपना बिजनेस चलाता है आई थिंक, तो भाई ये सारे फ़ोटो वगैरह मैं भेजता हूँ, और पूछता हूँ बेनी इसमें से तेरी कौन सी कार है, वैसे ये गोल्डन कार तो बेनी की है, बेनी को सारे के सारे फ़ोटो सेंड करने होंगे, और पूछना पड़ेगा उसकी बाकी के कार कौन से है गाइस, क्योंकि हमको क्या पता कौन से कार है, वैसे ये तीन कार डिस्ट्रॉय हो चुके हैं यार गाइस, चलो इसका भी फोटो सेंड कर लेता हूँ, भाई क्या पता इसमें से कोई है वो, यार लिटरली लगा यार तीन कार ब्लास्ट हो चुके हैं, और भाई यहाँ के भी फोटो सेंड कर लेता हूँ भाई, यहाँ पे भी कुछ 6-7 कार है भाई, वैसे कार ना ये बीच की कार देख रहे हो क्या ही फेवरेट लग रही है, अगर ये बेनी की कार नहीं निकलती ना भाई ये घर मैं खुद रख लूँगा भाई, पता नहीं यार कौन कौन से कार इसने कहाँ कहाँ से लोग चुरा के रखा है, सो भाई सारे के सारे फ़ोटो ना इसको बेचने पड़ेंगे बेनी को, और ये देखो भाई क्या ही लग रही है इसमें से, पता नहीं यार वो जो कस्टमर उसको मार रहा था ना बेनी को, उसमें से उसकी कौन सी कार है पता नहीं, जब तक हम लोग वो कार नहीं देंगे तब वो लोग उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका शोरूम भी नहीं छोड़ेंगे, उसका जो वर्कशॉप है ना वो भी नहीं, सो गाइस अभी फटाफट से हमको करना होगा, और चलो अभी ये कार को हम लोग ले जाएंगे कैसे पता नहीं यार, वो मुझे ना फटाफट से बोलने वाला है, बेच जाएंगे अभी बेनी का, फिर पूछते हैं गाइस, यार डगन अभी मुझे ना इसके लिए ट्रेलर वगैरह चाहिए, कुछ कर यार कुछ इंतज़ाम कर दे कुछ, हम इसको ले जाएंगे कैसे, क्योंकि मैं तो इधर नया हूँ मुझे कुछ पता नहीं, तो ये करेगा टेंशन मतलब ये कॉल करता हूँ और सबको बुलाता हूँ, मतलब जो भी है ना भाई फैकल्टी मतलब सर्विस होती है, तो भाई इसने कॉल कर दिया है और वो कह रहा है कि तू टेंशन मत ले भाई, तेरे लिए लॉस सेंटर जाने के लिए पूरा कार्गो प्लेन
और ट्रेलर और फैंटम ट्रक सब कुछ रेडी कर दूंगा। सो चलो यार, देखते हैं गाइस कब तक रेडी होता है और क्या ही सीन है और क्या नहीं है। फटाफट से देखते हैं भाई, बहुत ज़्यादा ही हेल्प की वैसे डग्गर मॉस ने मेरी गाइस। तो डग्गर मॉस के लिए एक तारीफ बनती है, एक लाइन बनती है गाइस, यार डग्गर अपना फ्रेंड बन सकता है कि मैंने कभी सोचा नहीं था यार। चलो यार अभी वेट करते गाइस एंड कब तक आता है क्या आता है। और ये कार देखो, मुझे लग रहा है ना ये कार होगी पक्का भाई, वैसे लग रहा है मुझे पक्का कार ये बेनी की होगी, ये वाली। और ये तो है भाई, ये तो मुझे नहीं पता बट ये तो ज़रूर है राइट वाली, इतना नहीं पता गाइस भाई कसम से यार। गाइस अभी ट्रेलर आते होंगे पता नहीं, और मुझे अभी बेनी का मैसेज आया नहीं है, पता नहीं ये बेनी मैसेज चेक कर यार मेरा भाई क्या कर रहा है भाई, कब तक वेट करेंगे इधर। और ये पर्सनली ना भाई, ये गोल्ड कार पता नहीं किसकी है बट अभी मैसेज आने के बाद पता चलेगा। और ये कार अगर बेनी की नहीं होती ना कसम से ये वाली कार मैं खुद चलाऊँगा भाई, सिंगल सीटर है। और ये देखो भाई, ये भी बढ़िया है भाई, लैम्बोर्गिनी और एक और लैम्बोर्गिनी। और ये पता नहीं यार, चलो अभी वेट ही करते यार गाइस कब तक आता है कॉल वगैरह और इसका ट्रेलर वगैरह सब कुछ ना भाई देखने के बाद ही पता चलेगा। सो यार अभी ये कार भी सिंगल सीटर है यार, बट चलो यार अपने को सिंगल ही तो जाना है। ऑल राइट गाइस, यहाँ पे ना अभी मुझे कॉल वगैरह सब कुछ आई थी बेनी की, और ये डग्गर मॉस का ना ट्रेलर वगैरह भी आ चुका है। तो गाइस मुझे उसने कहा कि देखो ये चार कार अपने सब कुछ सही सलामत है, दो गोल्डन कार मैंने मतलब मॉडिफाइड करवाए थे, तो ये कह रहा है कि इसमें से ये एक और है और जो तुमने देखी थी वो एक और है और बाकी के दो कार्स ऊपर है गाइस। भाई साहब भाई, ये कार के लिए झगड़ा वगैरह हो रहा था मतलब समझ रहे हो। तो यार अभी फटाफट से ना ये जो बेनी की कार है ना, वैसे इसके चार ही कार है, बाकी की कार अपन लोग ना डग्गर बॉस बोलेंगे यार तूने अपने इतने हेल्प किया तू ले ले, क्योंकि अपने को सिर्फ एक ही कार चाहिए। वैसे तो मैं लॉस एंजेलिस में रहता हूँ ना, तो चलो फटाफट से इस पर चढ़ाता हूँ भाई, जाएंगे ना भाई, चले जाए यार कोई प्रॉब्लम ना हो जाएगी इस भाई जा रही है भाई, बहुत मेहनत का काम है यार ये तो भाई। इसकी सिक्योरिटी हाथ बता दे यार थोड़ी सी, नहीं बता रहे भाई ये लोग, अपने अपना ही काम करेंगे। चलो यार कोई बात नहीं यार, सारा का सारा अपने को करना पड़ेगा, बहुत टाइम लग जाएगा गाइस एक कार चलाने में भाई, दो तीन मिनट लग जा रहे हैं। तो आपको ना मिलते हैं सारे के सारे कार्स लोड करने पे, और फिर मिलते हैं आपको डायरेक्ट इस कार को हम लोग लेके जाएंगे फटाफट से। तो यार अभी ये कार्स भी है, ऑल राइट गाइस अभी सारे के सारे कार ना भाई चढ़वा दिए भाई बहुत मेहनत से भाई विदाउट कोई स्क्रैचेस के। और ये फैंटम ट्रक है ना भाई, इसको चलो भाई फटाफट से उसको भाई पीछे लेते हैं और थोड़ा अटैचमेंट कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए यार फटाफट से। और अभी लॉस सैंटोस जाना पड़ेगा भाई। डग्गर बॉस यार आपको क्या लग रहा है कि इसमें, आपको बार बार पूछ रहा हूँ क्योंकि ये जो काम हो रहा है ना डग्गर बॉस जो कर रहा है मेरे साथ भाई, मैंने कभी सोची नहीं थी ये डग्गर बॉस मेरा फ्रेंड बन जाएगा। बट यार चलो यार, मुझे नहीं लग रहा है धोखा ना दे यार, क्योंकि इस पर भरोसा हम लोग कर नहीं सकते। तो आप लोग मुझे बोलो, अगर आप लोग के ज़्यादा कमेंट आते हैं तो मैं उसको धोखा दे दूँगा या फिर धोखे से मार दूँगा, आप लोग बोलो गाइस। अगर मेरे को इस वीडियो पे मतलब कोई कमेंट करता है, मतलब मैं खुद कमेंट करूँगा, आप कमेंट देखोगे धोखा दे या ना दे। अगर आप उस कमेंट को यस बोलते हो कोई जो भी करते हो, तो मैं इसको धोखा दे के तभी मार दूँगा जगह पे। अगर नहीं बोलते तो फिर हम लोग इसके फ्रेंडशिप बढ़ाएंगे आगे ले जाएंगे। तो आप लोग के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि यार वैसे ये मुझे अच्छा लगा, मतलब इसने मेरी इतनी हेल्प की है बेनी के कार मतलब क्लाउड को मारने में, मतलब क्लाउड तो था नहीं सला वहाँ पर। सो यार चलो कोई बात नहीं, अभी सारे के सारे कार से ट्रांसपोर्ट करने भाई कार्गो के अंदर। और एक सेकंड भाई, गलत टर्न मार दिया क्या यार, उधर लेना पड़ेगा आई थिंक, लेफ्ट में जाना है, वरना हम लोग डग्गर बॉस को धोखे से मार सकते हैं। अभी इतना चांस है ना, उसको बुला के मैं यूँ मार दूँगा, वरना वो हमेशा भागते रहता है उधर से उधर। बट यार अभी ना उसने मेरे अकाउंट में $5 मिलियन भी दिए, और क्या ही बोले, वो कह रहा है कि अभी आगे आने वाले समय ना बहुत कुछ तुम्हें देने वाला हूँ यार, पता नहीं यार। चलो गाइस फटाफट से अभी एयरपोर्ट पे मिलते हैं और फटाफट से ना इसको सारे के सारे कार्स ट्रांसपोर्ट वगैरह भाई कर देते हैं गाइस। अभी तो टाइम हमारे पास बहुत कम है, कभी भी कुछ भी हो सकता है, और क्लाउड का गेम ओवर करना है भाई साहब, बिल्कुल ही गेम ओवर करना है, बट वो आगे जाके हम लोग करेंगे पता नहीं डग्गर। ऑल राइट गाइस, फाइनली वी आर इन एयरपोर्ट, आ चुके हैं लिबर्टी सिटी के भाई। चलो यार गाइस कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, चलो भाई इधर से कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, कोई पुलिस वगैरह ने कोई परेशान नहीं किया भाई, भाई मुझे लगा पुलिस वगैरह रोक लेगी, बट कोई बात नहीं यार, पुलिस वाला कोई भी नहीं था भाई। वैसे भी हमने कुछ गलत काम तो किया नहीं, ठीक है ना भाई, सब कुछ
भाई सही तरीके से चल रहा है, मतलब कानूनी तरीके से, मतलब तू समझ रहे हो भाई, कोई गलत काम नहीं, कोई चोरी वगैरह नहीं किया है। सो चलो यार, यहाँ पे कार को ट्रेन भी भाई रेडी कर रखा है भाई डग्गर बॉस ने। यार डग्गर बॉस ज़्यादा ही गाइस खतरनाक बंदा है, वरना मैं सोचता था यार यहाँ पे ना भाई 2-3 दिन मुझे रुकना पड़ेगा, फिर ही कार ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। वैसे यहाँ पर मुझे सब कुछ इसने अरेंजमेंट करके दिए भाई, जैसे लेस्टर वगैरह करता है ना, बिल्कुल वैसे ही गाइस। भाई अगर इसको धोखा दो कि नहीं गाइस, वो मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ भाई, आप जो बोलोगे वही करेंगे। सो चलो अभी यार भाई, अरे ढक्कन तो खोल दो उसका, जो भी गेट वगैरह है भाई डोर तो खोल दो भाई। यहाँ पे SPG सिक्योरिटी खड़ी है डक्कर बॉस की, और फटाफट से ना इसमें हम लोग सारे के सारे कार लोड कर देंगे विदाउट कोई टाइम पास के गाइस। चलो सो गाइस अभी फटाफट से ना अभी ये कार को मैं फटाफट से कर लेता हूँ अनलोड। ऑल राइट गाइस, अभी बहुत टाइम लग चुका है, अगर सारा दिखाएंगे तो बहुत टाइम पास हो जाएगा, इसलिए भाई देख लो मैंने सारा का सारा ट्रेलर खाली कर दिया है और दरवाज़ा बंद कर दिया है। अभी डायरेक्ट इसको खोलेंगे हम लोग लॉस सेंटर्स में, ठीक है ना। अभी भाई टाइम पास ज़्यादा करना नहीं चाहता हूँ, और मुझे कैसे करके निकलना है लॉस सेंटर्स में, ठीक है ना। अभी गाइस फटाफट से इसको उड़ाते हैं और निकलते हैं, और डायरेक्ट बेनी को बताते हैं। बेनी भी मेरा वेट कर रहा है, वो कह रहा है कि हम लोग वेट कर रहे हैं। कहाँ पर भाई? लॉस सेंटर्स की एयरपोर्ट। मैंने इसको बोल दिया कि यार सारे के सारे तेरे कार में आ चुके हैं, तो वो भी ट्रेलर वगैरह लेके रेडी हूँ। और गाइस लिबर्टी सिटी को कहते हैं बाय बाय, और वैसे लिबर्टी सिटी मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आया गाइस, बिल्कुल ही ना भाई, ख़तरनाक सिटी है भाई, हाई सिटी है, देख रहे हो एक बार, देखो ना भाई लॉस सेंटर्स से बढ़िया दिख रही है मुझे गाइस, कसम से। इसमें इतने ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है ना, बड़े बड़े बिल्डिंग्स भाई साहब, बहुत बड़े बड़े। और फाइनली गाइस बेनी के सारे कार्स आ रहे हैं यार गाइस, सारे के सारे चैट पर अगर आप मेरे वीडियो जहाँ तक देख रहे हो। सो बेनी ओपी लिख दो, मतलब बेनी ओपी नहीं, माइकल ओपी लिखो भाई। बेनी की कार तो भाई बेनी ने कुछ तो कुछ किया ही नहीं है। सो चलो यार वीडियो को लाइक ज़रूर लाइक करना भाई, और 1000 लाइक होने चाहिए भाई, कैसे भी करके कर दो मुझे नहीं पता। और वीडियो को शेयर कर दो, सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को भाई स्किप मत करना, और अपने हर एक फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना, क्योंकि ना भाई आगे जाके अभी वीडियो बहुत ज़्यादा ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। अब गाइस क्या ही बोलूं, अभी डग्गर बॉस अपना फ्रेंड बन चुका है, तो सोचो अब क्या होने वाला है, अब वो आपके हाथ में छोड़ रहा हूँ। तो चलो फटाफट से लॉस सेंटर। ऑल राइट गाइस, फाइनली हम लोग आ चुके हैं भाई साहब लॉस सेंटर्स भाई, बहुत ज़्यादा ही गाइस, मतलब भाई बिल्कुल ही सही हो चुका है, मतलब क्या ही बोलूं यार भाई, बिल्कुल ही सही पैदा चल रहे हैं। और मेरी हमारा इंतज़ार कर रहा है, कह रहे हैं कि यार फटाफट से, बहुत टाइम लग गया भाई, टाइम लग जाता है भाई, मेरी गाइस नींद लग गई थी वैसे तो। बट चलो यार अभी फाइनली हम लोग आ चुके हैं इधर लॉस सेंटोस में, और भाई साहब बेनी वगैरह देख रहे हो सामने, ट्रेलर वगैरह सब कुछ रेडी रख के भाई, कब से बैठा भाई, जब हमने कहा था ना कॉल किया तब भी भाई वो बंदा रेडी हो चुका था भाई, वो कह रहा है कि फटाफट से ना अभी मुझे अपने वर्कशॉप में जाना है, क्योंकि आपको याद है इसका वर्कशॉप अभी बिल्कुल ही ब्लॉक कर रखा है भाई। एक बंदे ने कस्टमर ने बोला है कि जब तक आएगा नहीं मेरी कार वापस देगा भाई तेरा वर्कशॉप, और पैसे सब कुछ कुछ नहीं देने वाला भाई। तो भाई ये ले यार सब कुछ तेरे कार वगैरह इसमें उतार दे, अभी मुझे तो जाना है, मेरे को इतना टाइम नहीं गया, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा कॉल आ रहे हैं ना कसम से। मुझे अभी गैंग का कॉल आया था, वो कह रहा कि बहुत बड़ी वाली बैड न्यूज़ है मतलब, और मुझे मेरी जो सिक्योरिटी ना उनके भी मैसेजेस आ रहे हैं गाइस, वो मैसेजेस बहुत ज़्यादा ही खतरनाक है गाइस, मतलब अभी मैं पढ़ा तक नहीं हूँ, मतलब अभी यार टाइम भी नहीं मिल रहा है। तो यार अभी पता नहीं गाइस इतने ज़्यादा पता नहीं अर्जेंट कॉल वगैरह आ रहे हैं। जैसे मैं लॉस एंजेलस में आया ना, वो कह रहे कि बहुत बड़ा वाला हादसा हुआ है भाई पिछली रात में। सो गाइस इसके सारे के कार देख लो भाई, सही समय पे बिल्कुल सही टाइम भाई, तू ले रहे मेरे पास इतना टाइम नहीं, ठीक है ना बेनी, तू अपने अपने मैकेनिक को बदल कर दे, ठीक है मैं निकल रहा हूँ, ये कार मेरी भाई, ये इसको देखना मत, चल कैटी को फटाफट से बैठ जा मेरी गाड़ी में। सो चलो यार कैटी आ चुका है, और गाइस फटाफट से इधर से निकलते गाइस, क्योंकि ना अभी ज़्यादा ही बड़ा बहुत गंदी वाली न्यूज़ आ रही है अभी, वो कह रहा है कि यार बहुत बड़ा वाला गाइस नुकसान हुआ है तेरा, और अब ना गाइस ज़्यादा ही मतलब सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही गंदी हो चुकी है। तो अभी रेड स्कल, फ्रैंकलिन, ट्रेवर सब लोगों भी मिलके बातचीत कर रहे हैं, टॉमी भी है यार गाइस, पता नहीं क्या हुआ होगा भाई, मुझे नहीं पता, अभी तो आया हूँ मैं सब कुछ सॉल्व करके प्रॉब्लम भाई साहब, अब क्या नया कुछ नाटक हो चुका है भाई मुझे नहीं पता, अब फटाफट से निकलना होगा और चेक करना होगा गाइस क्या सीन है। ऑल राइट गाइस फाइनली, चलो यार अभी फटाफट से थोड़ा सा एक स्टंट मारते हैं, इसके टेस्ट वगैरह ले लेते हैं, और ये देखो गाइस भाई, चलो यार अभी सब कुछ टेस्ट वगैरह कर दिया मैंने कार का,
और रेड स्कल गैंग लीडर के पास अपन आ चुके हैं। अपना फ्रेंड है वैसे आपको पता है, और इसने मुझे मैसेज किया, बहुत लोग ज़्यादा ही मुझे मैसेज कर रहे हैं गाइस। अपने मोस्ट सिक्योरिटी कुछ प्रॉब्लम हो चुका आई थिंक गाइस, मुझे नहीं पता, मुझे मैसेजेस आ रहे थे आपको बताता हूँ। और क्या मैसेज है, पहले इनसे बात कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। इसमें से बैड न्यूज़ बहुत बड़ी वाली है, बहुत कुछ हुआ है। और गाइस यार क्या हुआ जल्दी से बता, रेड स्कल भाई क्या हुआ, क्या है भाई साहब, हुआ क्या है गाइस मुझे नहीं पता। गाइस ये कह रहा है कि देख तुझे मैंने बोला था एक गोल्ड वाइन है उसको ब्लास्ट करना है, बट तूने ब्लास्ट नहीं किया। भाई यार वो गाइस मैंने आपको बोला था ना ब्लास्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, आपने बोला था ब्लास्ट मत करो, सो यार वो मैंने ब्लास्ट नहीं किया। और वो कह रहा है कि तूने सबसे बड़ी गलती वही की, तूने वहाँ पे अपनी सिक्योरिटी लगा दी और वो सारे के सारे सिक्योरिटी गार्ड मर चुके हैं अभी। वहाँ पर इतना गंदा वाला अटैक हुआ है पिछली रात, सारा का सारा सब कुछ मतलब तहस नहस हो चुका है। और उसने अपनी नई सिक्योरिटी वहाँ पे मतलब उसकी लगा दी ईगल ने। कैसे आपको पता है दो ईगल है, एक जेल के अंदर जा चुका है और एक क्लाउड है वो भी बच्चा वहाँ पर अलग है। मतलब ये कह रहा है कि तेरे से ये उम्मीद नहीं थी माइकल, मतलब तू लालच में आके तूने कुछ किया ही नहीं। यार भाई देख कसम से मैंने एक रुपये भी नहीं कमाया। ये कह रहा है कि देख हमारा भी स्पेशल टैंक तो आ चुका है भाई, ठीक है तो अब इससे जाके हमें अटैक करना होगा। यार गैस यार गलती हो चुकी है बहुत बड़ी वाली, भाई वो गोल्ड वायर हमको ब्लास्ट करना चाहिए था। वो कह रहा है कि उसमें उसी का 50% हिस्सा था, मतलब वो मार्टिन और वो बंदा है ना भाई 50-50 में काम कर रहे थे। जब हमने उसे सबसे पहले देखा था ना वो वहाँ पर ही था, दोनों जो थे ना भाई ईगल और उसका भाई। सो चलो यार ये लोग आएंगे भाई, मेरी कार को संभालना भाई, कैटी वाटी के तेरे हाथ छोड़ रहा हूँ। और ये कह रहा है कि देख अब भाई हो चुका है बड़ा वाला मैटर, हम तो रेडी अटैक करने। यार अभी मैं फ्लाइट से आया हूँ, जस्ट अभी 5 घंटे फ्लाइट में था, अब फिर से फाइट करनी होगी। यार गाइस क्या चल रहा है आज कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई, आज एक चीज़ जा रही है दूसरी चीज़ हाथ से छूट रही है गाइस। मतलब एक चीज़ हम लोग हासिल कर रहे हैं ना दूसरी चीज़ जा रही है, अभी क्या ही सीन है मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और अभी सुपर टैंक लेके भाई मैंने बोला है कि देख सुपर भाई मैं तो भाई फाइट करने वाला नहीं हूँ, मतलब गन वगैरह से डायरेक्ट टैंक से फाइट करूँगा। सो चलो यार अभी टैंक लेते ना भाई, गोल्ड माइन पे जाते हैं और देखते हैं वहाँ पे क्या सीन है, क्योंकि हमारे सारे मोस्ट सिक्योरिटी मर चुके हैं यार। मतलब पूरे नहीं मरे हैं, बहुत ज़्यादा है, मतलब 10-15 मरे गाइस, कोई बात नहीं। सो चलो यार फटाफट से ना निकलते हैं, और भाई देख रहे हो गलती से एक कार ठोक दी थी, कोई बात नहीं चलता है। ऑल राइट गाइस फाइनली हम लोग आ चुके हैं भाई गोल्ड माइन के पास, और यहाँ पे ना कुछ भाई कार वगैरह लगे, एक बार देखो यार क्या सीन है गाइस, क्या ही सीन है यार, एक बार आप लोग देखो भाई भाई भाई, हमारी मोस्ट सिक्योरिटी यहाँ पर होती है आपको याद है, बट गाइस सब कुछ अभी डायरेक्ट अटैक होना होगा भाई, डायरेक्ट अटैक करना होगा भाई, कोई रास्ता नहीं है भाई। क्या आगे देखो भाई ये ईगल के बंदे रोबोट सिक्योरिटी, भाई ये ईगल की रोबोट सिक्योरिटी आप लोगों देखो भाई, इसके टैंक वगैरह सब कुछ भाई सब कुछ ब्लास्ट कर देगा। अपने पास सुपर पावरफुल टैंक है भाई, जो कि हमने गाइस पालास और वेगस से चुराया था भाई, फिल खतरनाक वाली फाइट कर दी। चलो यार यहाँ पर टॉमी ट्रेवर और अपना रेड स्कल का गैंग सब कुछ है भाई, सब कुछ भाई डिस्ट्रॉय कर देंगे, हर चीज़ डिस्ट्रॉय कर देंगे। और आने दो भाई, जिसको आने आने दो भाई, सबको मार देंगे आज। और ये जो है ना भाई कोल भाई, इसको तबाह नहीं कर देंगे और पूरा का पूरा ब्लास्ट वगैरह कर देंगे। अभी मेरा दिमाग हो चुका है गाइस बिल्कुल ही ख़राब, समझ लो बिल्कुल ही ख़राब हो चुका है, अब क्या ही बोलूँ गाइस। चलो अभी फटाफट से ना गाइस सब कुछ तहस नहस कर देते हैं और गाइस गेम ओवर कर दें इस ईगल के बच्चे का, बस ये लोग मेरे को दिख जाए। आई थिंक कोई और आ रहा है क्या भाई, एक सेकंड मुझे देखना पड़ेगा, कुछ आवाज़ वगैरह आ रहे हैं मुझे भाई, ये किसका एरोप्लेन है भाई, एक सेकंड भाई हेलीकॉप्टर की आवाज़ आ रही है, वही तो बोलो इसके फैस की आँख ये ले तू भी ले साले, मैं वही बोलो आवाज़ आ किसकी रही है, चल बेटा तू भी ले चल ख़त्म है भाई, ये भी गया भाई साहब, क्या ही पावरफुल टैंक है ना भाई, चैट पे लिख दो टैंक ओके लिख दो भाई, अगर आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो यार क्या ही गाइस, आज का दिन ना भाई ज़्यादा ही खतरनाक हुआ है।
तो यार वीडियो को प्लीज लाइक करो यार गाइस, 1K लाइक होने ही चाहिए आज, बहुत ज़्यादा ही टाइम लगा है वीडियो बनाने में, तो यार प्लीज 1K लाइक जरूर कर दो और इनकी बैंड बजाएगी आज और सबकी आज। भाई क्या हाई फुट रहे ना भाई, भाई बहुत पावरफुल टैग है यार, कसम से भाई बहुत कुछ समय में भाई हर चीज़ डिस्ट्रॉय हो रही है। चलो यार सब कुछ गेम ओवर है भाई, बिल्कुल ही गेम ओवर, सब कुछ ख़त्म है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और चलो फटाफट से और भी है क्या, आ जाओ भाई कोई दिक्कत की बात नहीं है, आ जाओ भाई। ये देखो एक और हेलीकॉप्टर आ रहा है भाई, ऊपर तक रेंज नहीं जा रही है क्या अपने भाई, नीचे लिखा आ रहा है ऊपर तक रेंज नहीं जा रही है ऑब्जेक्ट तक, भाई कोई बात नहीं लिमिट होती है क्या इसके भी, ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है। गजब गया भाई, गजब गए भाई, बहुत ज़्यादा ही पावरफुल है भाई, क्या ही पावरफुल टैग है यार ओपी भाई, ये जितने भी मोइन है ना अंदर भाई सब कुछ हमको ब्लास्ट करने होंगे भाई विदाउट कोई प्रॉब्लम यार गाइस। अभी क्या ही सीन है यार, ये क्या चल रहा है ना हमारे साथ, और इसके गैंग के बंदे आए नहीं अभी तक भाई, हमको अकेले फाइट करनी है इधर यार, सब कुछ मैंने ठेका लगाया है क्या भाई यार गाइस, क्या ही चल रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई साहब, मतलब टड्डा बॉस अपना फ्रेंड बन चुका है और ये रेड स्कल गैंग का बंदा मुझे फालतू करा भाई, वैसे तो अपना फ्रेंड ही है, मतलब ही फ्रेंड तो बन चुके हैं बट यार दुश्मन ही भाई हो चुकी है ना गाइस, समझ रहे अभी इसके दुश्मन हमारे दुश्मन बन चुके हैं। अब गाइस क्या बोले यार, मतलब क्या चल रहा है आप समझ ही सकते हैं, बिल्कुल साइकिल चल रही है भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई, इससे भी बाहर निकल जाएंगे और एक बढ़िया ज़िंदगी जिएंगे। सो यार चलो अभी और भी आ जाओ, तुम्हारी भैंस की यार, अरे टॉमी वगैरह सबको मारो यार, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई, इनके पास वैसे हार्ट के वो नहीं है भाई, इनके पास तो है वैसे बट यूज़ नहीं कर रहे ये लोग भाई, ये भी आ रहा है, चल इसकी भैंस की यार ख़त्म है भाई ख़त्म है, आ जाओ बेटा जूस को भी आ रहे हैं, आ जाओ भाई सब गेम ख़त्म है भाई तुम्हारा, भाई ये देखो एक और आ रहा है, चल कोई बात नहीं आ जा तू भी आ जा भाई, बराबर आया नीचे भैंस की यार, चल बेटा अब आके दिखाओ भाई, एगल का आ गया उसको मार रहे साले, ये लोग छुप के कहाँ बैठते यार, इसका नाम भी एगल है भाई, पता नहीं कहाँ हवा में उड़ रहा है भाई, कहाँ छुप के बैठेगा एगल के बच्चे भाई, भाई बिल्कुल डगन बॉस के बच्चे भाई, कसम से भाई भाग जाते भाई, आपने देखा डगन बॉस कैसे भाग रहा था भाई, कोई बात नहीं सब कुछ भाई तहस वहस कर देंगे भाई, सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देंगे, और भी है कि आ जाओ भैंस की आग सबकी औकात दिखा देगी, आ जाओ लग रहा है सब खत्म हो चुके गाइस, भाई कोई और है क्या भाई, और भी है क्या भाई पता नहीं, आ जाओ यार भाई, चलो अभी अंदर जाना चाहिए हमें भाई, डिस्ट्रॉय करने के लिए ब्लास्ट करने के लिए सारे की सारी गोल्ड माइन ब्लास्ट करनी है, अभी हमारे पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है भाई, ऑप्शन बचा नहीं है ठीक है ना, हमारे 15 सिक्योरिटी के बंदे मर चुके थे मैं आपको बोल रहा था, और वो जो 15 के 15 बॉडी है ना भाई, और कुछ लोग को किडनैप किया है पता नहीं क्या है वो भाई, मुझे नहीं पता भाई, मतलब बॉडी वगैरह कुछ मिले ही नहीं है इसको, तो पता नहीं जिंदा है कि मरे मुझे नहीं पता। तो चलो भाई ये देखो और एक टैंक वगैरह ला रहा है भाई, स्पीक है इसकी यार, कोई बात नहीं सब कुछ ख़त्म है गाइस, सब कुछ ख़त्म वगैरह कर देंगे, और भाई साहब फटाफट से ना और इस जितने भी गोल्ड माइन है इसको सब कुछ, और इनके अपने जो से अपने गैंग के बंदे भी आ चुके हैं भाई, बहुत ज़्यादा ही लेट आए हो तुम लोग, पूरे मैच ख़त्म होने के बाद आए हो कसम से, कोई बात नहीं भाई आने दो इनको भाई, मैं अकेले ही काफ़ी, इतना पावरफुल सुपर टैंक है ना भाई, क्या ही बोली, और भी कोई है क्या भाई, बिल्कुल नहीं गाइस, क्या ही फील आ रहा है ना चलाने में भाई, कसम से बता रहा हूँ इतना अच्छा फील हो रहा है चलाने में, ऐसे ज़्यादा रियल में चला रहा हूँ भाई, बिल्कुल ही स्मूथ है भाई, इतना स्मूथ है ना भाई, कितने इनके पैस क्या जल्द से जल्द मारो इनको भाई, मैं नहीं करने वाला चिल्लर काम, अभी चिल्लर काम तुम पे छोड़ रहा हूँ भाई, तुम्हारे मतलब कितना पावरफुल बंदे यार, टॉमी हो गया, ट्रेवर हो गया, फ्रेंकिन हो गया, इतने पावरफुल बंदे हैं इनके पास और ये लोग मेरे से काम ले रहे हैं, कोई बात नहीं गाइस, कोई बात नहीं, अभी भाई देखो अभी मैं इसके कुछ काम करने वाला नहीं आगे जाके भाई, अब जाके ना कुछ काम नहीं करेंगे, बस एगल को ख़त्म करेंगे, फिर इसे दोस्ती के सब कुछ ख़त्म, और भाई बिजनेस वगैरह करेंगे बस, क्योंकि ना भाई ये अपने दुश्मन को अपना दुश्मन बना रहा है, मतलब इसके दुश्मन हमारे दुश्मन भाई यार, चलो ठीक है यार, अब कोई ना इतना तो चलता है गाइस ठीक है ना, अब फटाफट सब ख़त्म हो गए क्या, चलो यार गाइस लग रहा सब ख़त्म है, अब भाई कोई वजह तो मार दो भाई, मैं अंदर जाके सब कुछ ब्लास्ट कर वगैरह करके आ रहा हूँ, एक सेकंड, यानी कि बस आरपीजी नहीं लगता है गाइस,
और भी कोई है क्या? ये एक और आ रहा है भाई, ट्रक वगैरह। चलो कोई बात नहीं, आ जा भाई तू भी आ जा, कोई बात नहीं, तेरा भी नंबर आएगा भाई। सबको मारेगी, सबको भाई, हर एक बंदे को मारेगी भाई। चार पावरफुल बंदे आ रहे हैं, देखिए हेलीकॉप्टर वगैरह सब कुछ इनके पास सारा। फिर भी इनकी हिम्मत देख रहे हो ना भाई, बहुत पावरफुल है ये घर का बच्चा। आपको लग रहा है ये बहुत कम है भाई, ये तीनों मिलके काम कर रहे हैं, समझ रहे हो? ये एगल और उसका छोटा भाई और एक क्लाउड, और इसका छोटे भाई को तो इसे जेल में डाल दिया है भाई, पुलिस ने पकड़ के। मतलब भाई वो खुद फाइट करने के लिए आया था पिछले वीडियो में गाइस, और भाई उसके साथ क्या ही सीन हुआ भाई। मुझे ना इस पर बैठना ही पड़ेगा गाइस, क्योंकि ना भाई ज़्यादा ही वाला लोड हो चुका है भाई। आरपीजी से काम नहीं आने वाला है, इनको ख़त्म करना होगा फटाक से, क्योंकि ना अभी आरपीजी से बहुत टाइम लग रहा है। और मुझे वैसे सारे के सारे ये गोल्ड माइन ब्लास्ट कर दिए, वैसे इनके पास आरपीजी तो है नहीं यार, क्या करते हो यार, आरपीजी लाना चाहिए ना। ये बोल रहा है कि सुपर टैंक होने के बाद आरपीजी क्या करेंगे भाई, ये भी सही है। चलो यार कोई बात नहीं, ये सब खत्म कर दिएगा भाई। तू तो आ रहा है इतने भाई जुड़े पे भाई, इसकी हिम्मत देख रहे हो? चलो लग रहा है सब खत्म हो चुके हैं, अभी बचे भाई आ ही रहा है भाई, तुम लोग मारो भाई। भाई फुल बंदे आ रहे हैं, फुल कॉल सेंड कर रहे हैं, कोई बात नहीं, करने दो भाई, करने दो भाई। तुम लोग करो भाई, काम करो सारे के सारे, ठीक है मैं अंदर जा रहा हूँ। ट्रेवर और फ्रैंकलिन मेरे साथ आ जाओ भाई। ट्रेवर कहाँ गया? ट्रेवर फ्रैंकलिन फटाफट सीधे आओ यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? ये लोग संभाल लेंगे, सारे गैंग के बंदे संभाल लेंगे, रेड स्कल संभाल लेंगे। टॉमी तू भी चल मेरे साथ, चल यार तेरी पावर देखनी आज भाई क्या करता, चल फटाफट से अंदर करेंगे। इन्हीं लोग को जमा कर लेता हूँ भाई, सब बिना कुछ लोग दिख नहीं रहे वैसे भी, फाइट रुक चुकी है वैसे तो। भाई अगर तुम लोग कुछ फाइट वगैरह होती है ना संभाल लेना, ठीक है? तुम तीनों चलो मेरे साथ। और रेड स्केल पता नहीं कहाँ गया यार, पता नहीं फाइट करते करते ज़्यादा ही दूर चला गया वो भाई। हमारे पास अभी टाइम वगैरह कुछ भी नहीं है, अभी फटाफट से जाएंगे सारे की सारी ना गोल्ड माइन ब्लास्ट कर देंगे भाई, सब कुछ टुकड़े नेस कर देंगे, समझ रहे हो भाई? टाइम बिल्कुल भी नहीं है। चलो यार फटाफट से चलो यार, गार्डन में घूमने आए हो क्या? चलो यार गाइस भाई बिल्कुल देख रहे हो, पूरे के पूरे ना भाई कार्स वगैरह सब कुछ ब्लास्ट हो चुके हैं भाई। कोई बात नहीं गाइस, ये देख रहे रोबोट्स है भाई, बिल्कुल ही रोबोट्स है भाई। चलो अंदर चलते हैं, डरना मत भाई, टेंशन मत लो, पहले मैं जा रहा हूँ आगे भाई। इनकी फट रही है भाई कसम से भाई। सो भाई अंदर तो हम लोग आ चुके हैं भाई, अंदर कोई भी नहीं है भाई, क्या सीन है? कोई भी नहीं है भाई, सब बाहर ही थे क्या भाई? डरा दिया यार कालू भाई, फ्रैंकलिन क्या करता है भाई, डर गया मैं उसका चेहरा देख के गाइस। कोई बात नहीं गाइस, चलो यार वैसे अंदर कोई नहीं भाई, वैसे मुझे अलर्ट तो रहना पड़ेगा ना। एक सेकंड गाइस, कसम से कोई भी नहीं है भाई, पूरा शांत वाला माहौल है। फ्रैंकलिन ड्राइवर तुम लोग यहाँ पर ही हो ना? चलो ठीक है। अरे यार मैं इतना यार, ये लोग कॉमेडी करने में एक नंबर है यार कसम से भाई, देख रहे हो? अरे मैं इधर भाई, मैं पागल हूँ क्या भाई, इतना अलर्ट कर रहा हूँ। कोई बात नहीं यार, चलो इधर एक सेकंड भाई देख लो तो आगे जाके गाइस। एक सेकंड गाइस, मुझे ना यहाँ पे कोई आवाज़ आ रही है भाई। एक सेकंड भाई, यहाँ पे और भी लोग है क्या भाई? और भी, मुझे पता था गाइस, कोई बात नहीं, साला इनको भी मार देंगे। और ये सारे की सारे जितने भी गोल्ड माइन है ना भाई, अब डिस्ट्रॉय करनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि ना भाई लालच का वाइस हमने कर दिया और हमारे 15 मॉन्स्टर सिक्योरिटी के बंदे मर चुके हैं। कोई बात नहीं, इनको ना इनकी भैंस की आग, उनको इनकी औकात दिखानी होगी। ये रोबोट आर्मी और ये जो एगल है ना, इसको भी गाइस पुलिस के हाथ में, या मतलब मैं खुद मारूंगा भाई। उसको तो पुलिस ले गई, मुझे नहीं पता था वो बंदा गाइस मतलब क्या था, हमने उसको मारा नहीं। बट गाइस अब ना एगल को छोड़ने वाले नहीं है, अगर वो यहाँ पे होता है ना भाई, उसकी बैंड बजा देंगे, उसका गेम ओवर कर देंगे बिल्कुल ही। और एक सेकंड भाई, ये गोल्ड माइन इतनी दूर है ना गाइस, आपको पता है कितनी लंबी वाली गोल्ड माइन है यार गाइस। यहाँ पे मैंने एक बाइक भी रखी थी सालों ने, वो भी हटा दी वहाँ से। कोई बात नहीं, आने दो भाई। यहाँ पर इसने अपनी रोबोट आर्मी को इधर रखा है सिक्योरिटी के लिए, और अपनी जो सिक्योरिटी थी ना भाई, सबको मार दिया। कोई बात नहीं गाइस, अपन लोग इनको दिखा देंगे अपन क्या कर सकते हैं। इसकी भैंस की आग, चल निकल साला कुत्ता गाइस। और कोई है क्या भाई? और ना भाई मुझे देख के जाना पड़ेगा भाई, यहाँ पर फ्रैंकलिन और टॉमी मेरे पीछे ही है। वैसे बहुत कम लोग हैं वैसे यहाँ पे, तो भाई ये देखो छुप के बैठा है साला रोबोट कहेगा भाई। रोबोट में डर पैदा हो गया कब से। ये देखो भाई साला इधर भी गाइस, यहाँ पर भी है। अब ना मुझे गाइस देख के जाना पड़ेगा आगे गाइस कुछ भी हो सकता है। फ्रैंकलिन ट्रेवर तुम लोग भी आ जाओ यार मेरे साथ में।
और एक सेकंड का इसकी भैंस की आग। चलो 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 कोई ना भाई, देख रहे हो पूरी ये पूरा गोल माइन ना भाई कब्जा कर लिया इन लोगों ने गाइस। मैं एक गलती कर दी, इसको डिस्ट्रॉय करना चाहिए था गाइस। मुझे पता है इसमें बहुत ज़्यादा ही पैसा बनता है। एक सेकंड इसको देखा ही नहीं मैंने। चला तू भी ले, और कोई है क्या? इसमें इतना ज़्यादा पैसा है ना गाइस, कसम से बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा पैसा और बहुत कुछ माल था भाई। लालच में गाइस मैंने इसको डिस्ट्रॉय नहीं किया और माल भी सेल्ड, मतलब भाई कुछ भी नहीं कर पाया गाइस। कोई बात नहीं, अभी सब कुछ करेंगे, अब इसको सब कुछ डिस्ट्रॉय वगैरह कर देंगे। यार फ्रैंकलिन ट्रेवर तुम भी आ जाओ यार, इतना पीछे पीछे ये लोग आ रहे हैं ना, कसम से यार। ये देखो कितना धीरे धीरे चलते हो भाई, ये देखो गाइस कितना ज़्यादा भाई। यहाँ पर मिसाइल वगैरह सब कुछ यार भाई, हर चीज़ है, टॉमी वगैरह भी सब कुछ यार गाइस। यहाँ पे देखो अभी सब कुछ हमें डिस्ट्रॉय करना होगा। चलो फ्रैंकलिन ट्रेवर यार बाहर से ना, अभी बाहर से तुम लोग कैंप करो, बॉम्ब वगैरह ला लो गाइस, ठीक है? तो चलो यार फटाफट से बाहर से ना बॉम्ब वगैरह लाते हैं। और एक एक सेकंड, ये क्या हो रहा है? अरे फ्रैंकलिन को लगाया क्या दरवाज़ा भाई? ये गेट लगा दिया किसी ने भैंस किया भाई। ये क्या, ये गेट तो अभी ओपन था ना। फ्रैंकलिन मजाक मत करो यार, खोल दे यार फटाफट से, बाहर भी जाना है। फ्रैंकलिन मजाक क्यों नहीं कर रहा है ना भाई? फ्रैंकलिन कह रहा है कि ये तो अभी अभी अपने आप बंद हो गया। इसकी भैंस की आग का इसलिए क्या सीन है भाई? भाई मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है यार भाई, बंद कैसे हो गया गाइस भाई? अब तो कोई रास्ता भी नहीं है भाई, बाहर कैसे निकलेंगे? एक काम करते हैं भाई, आरपीजी से फोड़ के देखता हूँ भाई इसकी भैंस की आग। आरपीजी से फोड़ डालूंगा साला गाइस। एक सेकंड भाई, अगर एक भी चिंगारी गई इधर उधर भाई, इधर मिसाइल वगैरह लगे हैं भाई भाई भाई। और इधर देखो भाई साहब, इधर देखो गाइस फ्यूल लगा है, यहाँ पे लिखा है नो स्मोकिंग और ओपन फ्लेम्स। भाई भाई साहब लोन हो चुका है अगर मैं इधर गलती से भी फायर कर दिया ना। और यहाँ पर एक सेकंड गाइस, यहाँ पर देखो कुछ देर हो गई थी, और यहाँ पर ये वो ये एगल का बच्चा भाई साहब, भाई ये कह रहा है कि देख भाई अब तू फंस चुका है ट्रैप में, अब तू इधर से बाहर निकल नहीं सकता है। और जितने भी तेरे मॉन्स्टर सिक्योरिटी रेड है ना भाई, सबको हमने मार दिया है, मतलब कुछ लोग को जिंदा रखा है और कुछ को मार रखा है। भाई साहब कैसे क्या चल रहा है भाई? साले तू बाहर खोल मेरे को। वो कह रहा है कि देख कुछ मत कर, बस तू यहाँ पर ही रह और तेरा दिमाग वगैरह सब कुछ हम लोग वो कर देंगे, मतलब तेरे जितने भी दोस्त है ना भाई, सिक्योरिटी है रेड स्कल है भाई, सबको मार देंगे और तुझे भी मार देंगे, बस एक गोली यहाँ पे हम लोग फायर करेंगे ना भाई, तू और तेरे सारे सारे के सारे फ्रेंड मर जाएंगे। यार गाइस कोई रास्ता तो होगा ना जाने का, यार ये क्या भाई ट्रैप में फंस चुका है। और ये बाकी के लोग क्या कर रहे हैं, लग रहा है वो सब लोग मर चुके हैं गाइस। भाई मैंने गलती कर दी यार गाइस, ये रेड स्केल पे भरोसा करके ना, उसने बोला था यार मेरी गैंग के बंदे संभाल लेंगे, बट यार वो सारे के सारे तो मर चुके हैं यार गाइस। यार मैंने यहाँ पे हमारी आरएसजी की सिक्योरिटी लानी चाहिए थी या एनएसजी सिक्योरिटी, बट यार वो कम से कम हारते तो नहीं ना, और वो सारे के सारे मर चुके हैं। और भाई इतने सारे उसकी फोर्स आ चुकी है, और भाई इधर रास्ता ही नहीं गई जाने का यार, ट्रैप ही हो चुके हैं बिल्कुल ही गाइस। ये जाली का तोड़ने को हम लोग एक सेकंड में तोड़ सकते हैं, बट यहाँ पर देखो मिसाइल वगैरह रखे यार, गैस रखी है भाई, पूरा बारूद है यहाँ पे हर चीज़ गाइस, रॉकेट वगैरह यार। अब भाई ये कह रहा है कि देखो भाई तुम अभी हार चुके हो, अब तेरी मौत भाई नज़दीक है, और तेरे दोस्तों को भी हमने इधर रखा है कहीं किडनैप करके, अब वेट करो। और वो कह रहा है कि अभी मैं लाता हूँ उनको और सबको तेरे को दिखाता हूँ गाइस। फ्रैंकलिन ये क्या कर दिया यार? फ्रैंकलिन कह रहा है कि हम लोग ट्रैप हो चुके हैं यार, अभी कोई रास्ता नहीं है भाई, अभी हार मान ही लो गाइस। यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है भाई, ट्रैप कैसे हो चुके हैं हम लोग? और ये गेट ना गाइस, भाई साहब जब मैं था जब इसने फिट नहीं किया था, मतलब जब नहीं था, अभी हम जब आ रहे थे जब मैंने देखा था इस गेट को, राइट में था भाई, लेफ्ट में था, बंद था, मतलब ओपन था यार। अभी लग रहा है इसने इसको ऑटोमेटिक किया है यार, अभी क्या ही सीन है यार गाइस। ऑल राइट गाइस, यहाँ मेरा बहुत टाइम के बाद यहाँ पर देखो यार, हम लोग बहुत थक चुके हैं, अभी हार चुके हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। और उसने ना यहाँ पे देखो रेड स्कल को भी अपना बंदी बना दिया, और जो अपनी मोस्ट ऑफ सिक्योरिटी थी ना, जो यहाँ पे अपना निगरानी कर रही थी, वो लोग में से सिर्फ तीन लोग ही जिंदा है। वो कह रहा है कि देख अब तू हार मान चुका है। और यहाँ पे क्लाउड का बच्चा भी आया था फाइट करने, और उसने सबको मार गिराया, मतलब अपनी जो गैंग है ना रेड स्कल की, उसके सारे लोग को मार गिराया। और भाई
रेड स्कल को ना भाई बंदी बना दिया, देख रहे हो गैस। और ये देखो गैस, ये लोग अब क्या ही बोलूँ यार गैस, ये देखो गैस, मतलब बिल्कुल ही यार, मतलब टेंशन वाला सीन हो चुका है। वो कह रहा है कि अब तू हार मान चुका है, अब ना तेरे को हम लोग कुत्ते की मौत मारेंगे, और अब तू यहाँ से कहीं जा तो नहीं पाएगा, मतलब इतने पावरफुल हो चुके हम लोग, अब तू इधर से क्या भाई कहाँ पे जा नहीं पाएगा यार गैस। अब मेरे को कौन बचाएगा यार, अभी सारे के सारे बचाने वाले तो यहाँ पर ही है। अब मेरे को लग रहा है कि गैस क्या ही बोलूँ यार, कुछ समझ नहीं आ रहा है भाई, अब कौन बचाएगा हमें गैस कसम से। मतलब रेड स्कल भाई, ट्रेवर, फ्रैंकलिन, अब मेरे को सिर्फ भरोसा है गैस हमारी। भाई मेरे पास वैसे फ़ोन तो है, वैसे मैं फ़ोन कर सकता हूँ, बट गाइस अगर उस मैंने फ़ोन भी कर दिया ना किसी को बचाने के लिए, ये कह रहा है कि यहाँ पे एक गोली मार के भाई सब कुछ ख़त्म हो जाएगा यार, तो मैं किसी को कॉल भी नहीं कर सकता हूँ गाइस, समझ रहे हो। मतलब मैं फंस चुका हूँ बिल्कुल ही, मतलब मैं मजबूर हो चुका हूँ यार। अगर मैं NSG को कॉल करूँगा और मेरे नी सिक्योरिटी को कॉल भी कर दिया ना, तो भाई हम मारे जाए, क्योंकि ये एक गोली चलाएगा और यहाँ पे इतने सारे मिसाइल वगैरह रखे, भाई छुरा हो जाएगी यार। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं गाइस, तब तक के लिए सभी को बाय बाय।